नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जो किताबों पे ही नहीं, आप जानते हैं इस पे अकल साइंसेस पे भी वीडियो होते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो तांत्रिक शिवानी दुर्गा के साथ नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इस पे हमने तंत्र पे चर्चा करी है, हमने इस पे तंत्र के राजों पे चर्चा करी है, वशीकरण पे बहुत सी चर्चा हुई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज का जो मेरा वीडियो है, हम सब फिल्मों के दीवाने हैं कहीं ना कहीं। फिल्म स्टार्स हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से बहुत रूल करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है फिल्मी सितारे और उनकी किताबें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता, फिल्मी सितारे और उनकी किताबें, तो मेरा क्या चैनल पूरा होता? शायद कभी भी पूरा ना होता। तो पहला जो सितारा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है शाहरुख खान, द किंग खान। यस, किंग खान ये कहते हैं कि वो 3 से 4 किताबें एक साथ पढ़ते हैं, वो किताबों के दीवाने हैं। और जब वो इंडिया के बाहर जाते हैं, वो इतनी किताबें खरीद लेते हैं कि बहुत बार एयरपोर्ट पे कस्टम्स वाले उनको ये समझ के रोक लेते हैं कि वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो यस, इनकी किंग खान है मेरे पहले सितारे जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। और उनकी कौन सी किताबें बहुत फेवरेट हैं? डॉन ब्राउन की किताबें उनको बहुत पसंद हैं, दा विंची कोड, फिर इदुआर्दो गालियानो की किताबें उन्हें बहुत पसंद हैं, वुडी एलन कलेक्शन उनको बहुत पसंद है। जो मेरा दूसरा सितारा है वो है काजोल। यस, DDLJ की वो ट्रेन और उसकी उपड़ती हुई किताब आप सबको याद तो रही होगी। यस, काजोल मेरा दूसरा सितारा है जिनको पढ़ना बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब उन्होंने अजय देवगन से शादी करी तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी कि मेरे साथ मेरी किताबें आएंगी, और उनके घर में 3 कमरों की लाइब्रेरी है। तो ये उनकी किताबों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, हमने उनको बहुत बार इंटरव्यूज में किताबों के साथ देखा है। तो ये दूसरा सितारा है जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और उनको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? चिनक्या स्टांट, फाउंटेन हेड, द एक्स सीरीज, बट उनकी जो सबसे फेवरेट किताब है वो है अमर चित्र कथा। मेरा तीसरा सितारा जिसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है वो है राहुल बोस। उनकी जो किताब है जो उनको बहुत पसंद है वो है कैचर इन द राय। राहुल बोस का तो ये कहना है कि जो एक चीज है जो हमारे और प्यार के बीच में आता है वो फियर है, और यही रहस्य किताबों ने उनको सिखाया था। तो ये राहुल बोस की जर्नी है किताबों के साथ। वो बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, थ्रिलर्स, एडवेंचर्स, ट्रैवल मैगजीन्स। मेरा चौथा सितारा जिसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा का मानना तो ये है कि जो किताबें हम पढ़ते हैं उससे हमारी इमेजिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, और वो रोज आधा घंटा तो जरूर ही किताबें पढ़ते हैं। पौलो कोहलो की अल्कमिस्ट उनकी सबसे पसंदीदा किताब है, और वो एक डेली रीडर है, वो रोज किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। मेरा जो पांचवा सितारा इस लिस्ट में है वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान नवाब हैं, वो एक पैलेस में बड़े हुए थे भोपाल के। तो उनका कहना ये था कि पैलेस में वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पिताजी की किताबों की जो कलेक्शन थी उन्होंने वहां से किताबें पढ़ना शुरू करी। वहां से उनकी दोस्ती किताबों से शुरू हुई। उनको थ्रिलर्स पढ़ना, एडवेंचर्स, हिस्टोरिकल फिक्शन, माइथोलॉजिकल फिक्शन, ये सारी किताबें पढ़ना उनको बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनकी तो बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वो अपने पिताजी की कलेक्शन और उनके पुरखों की कलेक्शन उन्होंने रखी हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी करीना को भी इस आदत में डाला है किताबें पढ़ने के लिए। और किताबें और सैफ अली खान का तो बहुत पुराना रिश्ता है। थ्रिलर्स, जैसे मैंने आपको कहा, थ्रिलर्स पढ़ना उनको बहुत पसंद है। बोन आइडेंटिटी जैसी किताबें पढ़ना उनको बहुत पसंद है, और वो बहुत सी मिस्ट्रीज, अगाथा क्रिस्टीज, ये सब पढ़ते हैं। ये उनकी पसंदीदा किताबों में से हैं। जो मेरा छठवां सितारा इस लिस्ट में है वो है सोनम कपूर।
जी हाँ, सोनम कपूर। सोनम कपूर का तो ये मानना है कि किताबें पढ़ना उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं, एक मजबूरी है, वो तो ये कहती हैं। और उनका एक हैशटैग है वीकेंड रीडिंग विद सोनम, जिसपे वो अपनी किताबें जो वो उस हफ्ते की पढ़ती हैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर करती हैं। जब सोनम कपूर ने नूजा चौहान की किताब द जोया फैक्टर पढ़ी तो उन्होंने उस किताब के राइट्स खरीदे और उस किताब पर पिक्चर भी बनाई है। तो सोनम कपूर एक उनमें से अभिनेता है मेरी इस लिस्ट में से जो बहुत किताबों की शौकीन हैं, वो पढ़ती हैं। और अब जैसे मैंने कहा, आप उनका हैशटैग जरूर देखिए और चेकआउट करिए, वो कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप उनका हैशटैग जरूर चेकआउट करिए। जो मेरा सातवां सितारा है इस लिस्ट में वो है अदिति राव। अदिति राव को किताबें पढ़ना, थ्रिलर्स, मिस्ट्रीज पढ़ना बहुत पसंद है। द वुमन इन द विंडो बाय एजे फिन, जिसका मैंने बुक रिव्यू भी करा है और जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, उनको ये उनकी सबसे पसंदीदा किताब है। उन्हें अगाथा क्रिस्टीज, खैर मुझे ये नहीं समझ आता अगाथा क्रिस्टीज ऐसा कोई होगा कि किसी को नहीं पसंद होगी, अगाथा क्रिस्टीज तो इनफैक्ट सभी की फेवरेट होगी। तो ये उनमें से ही हैं जिनको अगाथा क्रिस्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा आठवां सितारा इस लिस्ट में है सोनाली बेंद्रे। सोनाली बेंद्रे को किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो बहुत सी किताबें पढ़ती हैं। इनफैक्ट उनका एक फेसबुक पेज भी है जिसकी डिटेल्स मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, अगर आप उस फेसबुक पेज को देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। ये फेसबुक पेज में से आपको वो कौन सी किताबें पढ़ती हैं, लोगों के साथ जो लोगों को किताबें पसंद हैं वो उस पर शेयर कर सकते हैं। मैंने भी अपने बहुत से वीडियोज़ उस पेज पर शेयर करे हैं और वो लोगों को बहुत इनक्रेज करती हैं किताबें पढ़ने के लिए। स्पेशली उनकी बीमारी के बाद जो फेज आया, उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी और किताबों को वो कहती हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड्स थे इस दौरान। इनफैक्ट किताबों ने उनको वो सहारा दिया जो उनको चाहिए था उनकी बीमारी में लड़ने के लिए। तो किताबों का और सोनाली बेंद्रे का एक बहुत डीप रिश्ता है। जब हम एक कठिनाई में होते हैं और हमें एक दोस्त मिल जाता है तो उस दोस्त के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो शायद कोई समझ भी नहीं पाता। किताबें और सोनाली बेंद्रे का यही रिश्ता है कि वो दोस्त उनको किताबों में मिला था। तो आप जरूर देखिए उनका फेसबुक पेज, इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। मेरा नौवां सितारा इस पूरी लिस्ट में है ट्विंकल खन्ना। उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ती हैं। उनकी मिस फनी बोन्स तो बहुत ही फेमस किताब है, इनफैक्ट वो अपनी ही किताबों को बहुत बार पढ़ती हैं और वो बहुत लोगों को बहुत इनकरेज करती हैं। तो यस, ट्विंकल खन्ना मेरा अगला नाम है इस पूरी लिस्ट में। और जाने से पहले मेरा आखिरी नाम बनता है नवाब जी की बहन सोहाली खान। हाँ जी, सोहाली खान, जिनके सबसे फेवरेट राइटर हैं जो नेस्पो, और उन्होंने खुद ही किताब लिखी थी द पेरल्स बीइंग मॉडरेटली फेमस। ज़रूर पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। तो ये थे मेरे सितारे, नहीं हमारे सितारे जो किताबें पढ़ते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और जाने से पहले हमेशा की तरह मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा www.nataliasuri.com। तो बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपकी अपनी चॉइसेस क्या हैं, आप कौन से वीडियोस देखना मांगते हैं किताबों पे और अकल साइंसेस पे, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन वीडियोज़ को अपने चैनल पर लाऊँ। अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे, तब तक नमस्कार।